एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई ये है रामलला मंदिर का मुख्य द्वार और हम पहुंच गए हैं। ये वो रास्ता है जाड़े को क्या नाम है, देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, उनकी एंट्री यहाँ से होनी है। हाँ जी, आप तो उनसे मोदी जी और योगी जी से पहले जानना चाहते हैं, कहाँ से आए आप? यही अयोध्या की ही है। अयोध्या से हो? हाँ। तो किस तरह का फील कर रहे हो, क्योंकि पूरी अयोध्या को सजाया गया है? वो तो हम लोग भी देख रहे हैं, पूरी अयोध्या को सजाया गया, बहुत खुशी मिल रही है अंदर से। अच्छा। कि 500 साल बाद ही फिर वापस आए भगवान मेरे, यानी कि दो वनवास मिलके श्री राम जी को, एक 14 साल का और एक लगभग 500 साल का, 596 साल का। और आप लोग कहाँ से हैं? हम जींद हरियाणा से, देसी पत्रकार धर्मू, संसार क्रांति पे लाइव चल रहा है, अभी लाइव चल रहा है। हाँ जी, क्या नाम बेटा? शैलजा मिश्रा। शैलजा मिश्रा, तो बेटे किस तरह का फील कर रहे हो, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त तरीके से सजाया गया मुख्य द्वार को और रामलला की मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है 22 जनवरी 2024, बड़ी ऐतिहासिक तारीख बनने जा रही है। कैमरामैन तिकुंगा के नून नून की तस्वीर भी दिखाना रहो। बहुत एक्साइटमेंट है हम लोग की, इसमें देखने का मौका मिल रहा है। हम लोग अयोध्या में रहने के गर्व हो रहा है हम लोग को, कि हम लोग अयोध्या में रह रहे हैं, कि लोग दूर दूर से देखने के आ रहे हैं, हम लोग अयोध्या में देख रहे हैं। बहुत खुशी मिल रही है, इतना अच्छा मतलब डेकोरेट हुआ है, हर चीज खुशी मिल रही, बहुत अच्छा। कभी सोचा था आपने भाई आपकी आंखों के सामने इतना बड़ा सपना साकार हो जाएगा? नहीं, कभी तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन आज देख रहे हैं अपने आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से। बहुत जय श्री राम। क्या नाम बेटा? गीतिका पांडे नाम है। बेटा कैसा महसूस कर रहे हो, एकदम से मतलब अचानक से सरप्राइज टाइप सी का मिल गया? ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा इवेंट है और ये हम लोग जो है बहुत सालों से वेट कर रहे थे इस इवेंट के लिए, और ये मोदी जी के आने के बाद ये पूरा हो पाया है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत एक्साइटेड, हम लोग यही रहने वाले हैं। लेकिन आपका एक्साइटमेंट चेक कर लें जी, एक्साइटमेंट चेक कर लें जी, बिल्कुल। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। वाक्य में एक्साइटमेंट है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जय श्री राम। तो ये देखो भाई, ये देखो, अब तो भगवान टोपी भी बिकने लग गई। हाँ भाई, पहले तो क्या करते, पर ये टोपी वालों ने कब्जा कर लिया था इसके ऊपर। कहाँ से आया? राजस्थान। राजस्थान से। जी, क्या नाम है? पंकज। पंकज। शुभम टेलर। युवराज। परमजीत सिंह। अजय राज सिंह। ये देखो, ये पहुँच गए हैं, और कैसा महसूस कर रहे हो आप लोग? मतलब पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। कितने दिन के लिए आए हो आप? तक, चलो बहुत बढ़िया। तो फिलहाल ये देख सको तुम, ये लाइव तस्वीरें जो है वो देख सको हो। अच्छा, धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये पूरी की पूरी जो अयोध्या है वो राममयी होगी है। ये राम, इधर देखोगे तो राम पथ है ये, मैं जित खड़ा हूँ, यानी कि मेरे सज्जा हाथ में राम पथ है, और इसी से मुख्य द्वार यानी कि एंट्री, इबे तक सजावट पूरी को नहीं हुई है। फिलहाल जो ये तस्वीर तुम देखने लग रहे हो, सजावट पूरी नहीं, अभी चल रही है। हाँ जी बहन जी, कहाँ से आए आप? अच्छा, चलो चल पड़े जी। तो मैं तो रामपत यही साहबगंज से आया हूँ। नुकाता हूँ, मैं बताऊंगा। पूछो बता भाई, कहाँ से, कितना आया? दिल्ली था भाई। दिल्ली था, दिल वालों की दिल्ली है, दिल्ली वालों की दिल्ली भाई, बहुत बढ़िया, एकदम कति मजा आ रहा है, जी सा आ रहा है, कति स्वाद आ गया, कति स्वाद आ रहा है, बोल रहा हरियाणवी पूरी, तुम्हें पूरी कति दिल्ली का कच्ची हरियाणवी। क्या नाम भाई तेरा? मेरा नाम जी विष्णु। विष्णु, तेरा भला जिसका, अरे भाई इसका नाम माई फीलिंग है, विक्की विक्की, इतना विष्णु की शक्ल दिखी उन्हें, देखा नाम में विष्णु है, बहुत बढ़िया भाई। तुम तो सोच साच कर घर के ना नाम रखा हुआ था, घर के ना कति सोच कर रखा था, न्यू मेरा था। अब भाई 22 जनवरी 2024 में इस विष्णु ने अयोध्या में जाना है। बिल्कुल है। जय ते आया हूँ यहाँ पर, भगवान राम का वो दोबारा से आएंगे तो एकदम मजा आ जाएगा। आज आप कहाँ से आए जी? पानीपत। पानीपत, पानीपत की लड़ाई चल रही थी भाई, ये जंग जीत गए हैं, पानीपत की लड़ाई। किस तरह का महसूस कर रहे हो जी? क्या बताएं जी, मतलब शब्द नहीं है हमारे पास बोलने के, इतनी खुशी अपार है। मुझे लगता है बस भगवान राम आ ही रहे हैं, बस आ ही गए। हाँ बेटे, क्या नाम है? श्रेयांश तिवारी। कहाँ से आया? हम लोकल के ही हैं। लोकल के ही हैं। मजा आ गया? बहुत स्वाद आ गया। हाँ, मतलब पहले से कई ज्यादा मतलब डेवलप हुई है, बहुत बहुत ही ज्यादा डेवलप हुई है। देखो भाई, मैं अभी आपके पास आऊंगा, यही रहना आप। देखो ये बच्चा बड़े शब्दों का भंडार है इसके पास। फिलहाल एक बार कैमरामैन तिकुंगा पर दिखा दे तस्वीर, किस तरह से रामलला के आने की खुशी में पूरा का पूरा जो ये द्वार, मुख्य द्वार, राम पथ से सीधी एंट्री है
और अंदर अगर मैं बात करूं तो रामलला जो राम भक्तों का कहना है कि वो अभी तक टेंट में थे और आज वो यानी कि 22 जनवरी 2024 को वो महल में आने जा रहे हैं, तो उससे कि यानी कि जो प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम है उसकी जो जबरदस्त तैयारियां हैं वो कित गाती हूँ। आर्जा बेटा क्या नाम बताया तूने? श्रेयांश। श्रेयांश जी, तो श्रेयांश बेटा ना केवल रामलला की मूर्ति स्थापित होके प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी, इसके गला गला आप बता रहे थे कि अयोध्या का विकास भी शुरू हो गया है। बहुत, मतलब कि जैसा रोड, जैसा कचरा फैला रहता था, ये सब हुआ रहता था, अब बहुत ज्यादा मतलब हमारा जैसे सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। एक एक चीजों के लिए फाइन भी लग रहे हैं, आप कचरा फैलाते तो उस पर भी फाइन है। मतलब समझ लीजिए कि ये जो ये एरिया आप देख रहे हैं ये पहले कुछ नहीं था। अच्छा, ये देखो भाई, ये कह रहे हैं ये एरिया कुछ भी नहीं था और यहाँ डेवलपमेंट होगी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 7। देखो सातवीं क्लास का बच्चा है और वाक्य में दिल जीतने वाली बात कह दी भाई ने। ये कह रहे हैं कूड़े और कचरे के ढेर लगे रहते थे लेकिन अब क्या है, फूलों के ढेर। जी, बाबा की सरकार में देखिए पूरा सब ये हो गया। राम बाबा की सरकार है जी। चलो थोड़ा सा और करीब से ये बाल रूप में दिखाया गया, देखो। हाँ जी जी बताएं। जी, जब बालनवे में हम लोग लड़ाई में थे। अच्छा। उसका कोई भाल होगा कि नहीं, जन्म सबसे बड़ा फायदा तो यही हो गया। जन्मभूमि में हम दर्शन किया, काम भी किया, बढ़िया शिवलिंग मिला। अच्छा। मूर्ति मिला खोदने में। अच्छा, ये देखो भाई, सबूत इकट्ठे करने में थे आप लोग? हाँ, काम करने थे। देखो ये बड़ी, ये बहुत, क्या नाम आपका? महेश कुमार। विक्की, ये देखो ये महेश जी मिले हैं। ये कहे जब रामलला के लिए सबूत जुटाने की प्रक्रिया चल रही थी उस खुदाई का हिस्सा थे ये? किया है उसमें सबूत जुटाया आप लोगों ने? हाँ, तोड़ाई भी किया है। अच्छा। गिराने में किया है। अच्छा, सर में चोट मारा लोहा गया, उसमें चोट नहीं लगा है। अच्छा, भगवान की माया, सूझबूझ के साथ खुदाई की है। हाँ, बहुत पत्थर पर बड़ा मिला। तो ये देख सको भाई किस तरह से श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है, लोग जो है बहुत दूर दूर तक पहुँच रहे हैं। हाँ जी, कहाँ से आए जी आप? अयोध्या से। अयोध्या से अयोध्या में पहुँच गए। तो पहले वाली अयोध्या में और आज वाली अयोध्या में क्या अंतर है? जो कुछ दिन पहले अयोध्या थी और आज वाली अयोध्या जो चमक रही है, कितना अंतर लगा? बहुत बदलाव है आज की जी। बदलाव का कारण? जय श्री राम। जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये आज ये देखो, ये देखो किस तरह से पीछे फूलों का अंबार लगा हुआ है। कहाँ से आए भैया? हम लोग ये फैजाबाद चौक से आए हुए हैं। फैजाबाद चौक से। ये हम लोग के सामने 30 साल के हम लोग का एज है, हमारे 5 पुश्त बीत गया है। अच्छा। हम लोग भी बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि किस दिन हमारे प्रभु राम का मंदिर बनेगा, और मंदिर बन के आज तैयार है। अब अभी 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी आएंगे, अपने हाथों से कर्म कमलों से भगवान जी का स्थापना करके शुरुआत करेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और भी क्योंकि भी आया है। अच्छा, बिल्कुल आइए आइए। तो फिलहाल तो हम देख सको सेल्फियों का दौर चल रहा है, आज तक सेल्फी ली जा करती सेलिब्रिटियां के लिए, लेकिन आज श्री राम जी के साथ सेल्फी ली जा रही है। सेल्फी विद श्री राम, सेल्फी विद श्री राम, सेल्फी विद श्री राम। हाँ जी, आज तक आपने सेल्फी ली होंगी किसी सेलिब्रिटी के साथ, लेकिन आज श्री राम के साथ सेल्फी ली आपने। इतना आनंद का अनुभव कर रहे हैं हम लोग यहाँ अयोध्या पधार कर कि श्री राम की नगरी में, जहाँ आज 500 वर्षों से इंतजार था श्री राम के आगमन का, आज वो सपना सबका पूरा हुआ। पूरा हिंदुस्तान खुश है, पूरे हिंदुस्तान में अब से 2 दिवाली मनाई जाएगी। एक कहाँ से आए आप लोग? मैं दिल्ली से आई हूँ, श्यामा महेश्वरी। मैं गुजरात से सूरत से आई हूँ, सरिता मारू। भाई गुजरात और सूरत, और सूरत से खूबसूरत लोग जो है यहाँ पहुँच गए हैं, तो किस तरह का महसूस कर रहे हो आप लोग? पूरी इंडिया ही अभी राममय है। अच्छा जी, पूरा भारत? पूरा भारत। इंडिया मत बोलो, अब तो भारत बोलो। पूरा भारत राममय है। एक ही नारा एक ही नाम, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चलो ये देख सको भाई किस तरह से एक त्योहार जैसा जो माहौल है वो बन गया। इससे बड़ा त्योहार तो आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ, जो त्योहार ये है। हाँ, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्योहार माना गया। एक दिवाली मनाए थे, अब हम 2 दिवाली मना रहे हैं। कैसे? आज 22 तारीख को मनाएंगे, और एक एक दिवाली के दिन दिवाली। देखो, एक तो होता है राष्ट्रीय पर्व और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय पर्व। अंतर्राष्ट्रीय पर्व है, अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। मैं राजस्थान से आई हूँ, मेरा नाम। राजस्थान से भी आ गए हैं, गुजरात से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं।
तो राजस्थान में कौन सी जगह से? मैं सीकर से आई हूँ। सीकर से, तो आप किस तरह का मतलब इस तरह का थी, था सपना आपको, उम्मीद थी? अभी किस तरह से आयो दस नहीं, मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। योगी जी है, आप मोदी से क्यों जोड़ रहे हो? सुनो, योगी और मोदी जी हैं तो मुमकिन है। रामलला केवल मोदी और योगी के, हम सब के नहीं है क्या? लेकिन जो करवाया मोदी जी ने और योगी जी ने किया, तभी ये संभव हो पाया, नहीं तो ये असंभव चीज थी। लेकिन मोदी जी और योगी जी के प्रयास ने इसे सफल किया। तो मोदी जी और योगी जी है तो सब कुछ संभव है। भाई एक बात बताओ, आप राम भगत हो या मोदी भगत हो? हम राम भगत, राम भगत, राम भगत। हमारे राम जी को लेकर आए, इसलिए मोदी भगत भी हम हो गए। एकदम राम जी के आने की खुशी हमारे को ऐसी महसूस हो रही है कि हमारे इतने बड़े जीवन काल में इससे सुनहरा पल हमने आज तक नहीं देखा है। चलो बहुत बढ़िया। राम भगवान राम एक है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहूँ आवत नहीं। मोदी जी साक्षात हमारे वो देवता हैं, देवता तुल्य हैं, जो प्रभु श्री राम का राम राज्य ला रहे हैं हम लोगों के लिए। पूर्वजों को जाके बता सकता हूँ कि मोदी जी राम राज्य कैसे ला रहे हैं। लगने लग गया है, सुनो एक मिनट, एक मिनट मैं बोलने का मौका सबको दूंगा, सबको बोलने का मौका दूंगा। मन ऐसा लगने लग गया है कि मोदी जी एक दिन लाइव आएंगे और लोग कहेंगे भाइयों बहनों मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात 8 बजे से राम राज। हमारी यही कल्पना। हम लोग राजस्थान से आए, सीकर का रहने वाला हूँ। हम 10 दिनों से अयोध्या के अंदर है और अमृत महोत्सव का आनंद ले रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा के रूप में जो 1008 कुंडी यज्ञ राम भद्राचार्य जी द्वारा करवाया जा रहा है उसमें। और हम पिछले 7 दिनों से हम पूरी अयोध्या घूम चुके हैं। अयोध्या ऐसे सजाई गई है जैसे स्वर्ग सजाया गया हो, जैसे सदियों पुरानी जो फिल्मों में जैसी आशाएं करती हैं, वो कल्पनाएं जो थी वो आज फलीभूत हो रही हैं। बहुत धन्यवाद जी। ठीक है जी, जय श्री राम। चलो तो फिलहाल कैमरामैन विक्की, देखिए वो सेमी लाइट दिखी, ये देख सको भाई किस तरह से जो है ये द्वारा अब तक ये सज का पूरा तैयार नहीं होया है, अभी तो इसकी सजावट जो है वो चल रही है। सजावट का जो दौर है वो फिलहाल चल रहा है, अभी रुका नहीं है। किस तरह से पूरा का पूरा जो ये मुख्य द्वार, ये वो गेट है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एंट्री अर्थ होनी है, ये वो मुख्य द्वार है। किस तरह से इसको सजाया गया है और न्यूनिक आग्रह ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है 496 साल का एक तरह से दूसरा वनवास जो है श्री राम जी का वो पूरा हुआ है। हाँ सौरभ भाई, सौरभ राणा, राम राम भाई, अरे एक बार अयोध्या जरूर आना सौरभ राणा। तो ये तस्वीरें तो हम देखने लग रहे भाई, बहुत ही दिल को गार्डन गार्डन करने वाली है तस्वीरें हैं। तो ये देख सको पूरी तरह से इस गेट को किस तरह से सजाया गया है और बाल रूप ऊपर कैमरामैन विक्की ये दिखाओ, आज तक जो है लोगों ने श्री कृष्ण जी का बाल रूप तो देखा है, लेकिन ये श्री राम जी का बाल रूप यहाँ दिखाया गया है। ये तस्वीरें जो है फिलहाल तो हम देखने लग रहे हो, ये वो मुख्य द्वार है, किस तरह से पूरी व्यवस्था जो है करी गई है और हुजूम है, काफी भीड़ है लोगों की। पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो वो पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं भाई, क्योंकि अभी जो है गेट के अंदर कोई एंट्री सामान्य व्यक्ति की या फिर मीडिया की कोई एंट्री है नहीं, तो इसलिए पूरा पुलिस को मशक्कत भी करनी पड़ रही है। और ये देख सको किस तरह से सेल्फियों का जो दौर है। हाँ जी, कहाँ से आए आप? हम लोग अयोध्या से ही है। अयोध्या से ही है, तो इसी बात पे बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, जोर से आने दो, जय श्री राम। आना नहीं खा के आए क्या? जय श्री राम, जय श्री राम। तो किस तरह का महसूस कर रहे हो अयोध्या? हाँ जी, तो अयोध्या एक बार फिर से पुनर्जीवित हो गई। अयोध्या पुनर्जीवित हो गया है। क्या नाम है? बोलो, निर्भय नाम। ये मौन व्रत धारण कर रखा है इसने। बेटा बोलो ना, अब ये मौन व्रत धारण कर रखा है इसने। चलो भाई ये तस्वीरें देखो, छोटे छोटे बच्चे, यानी कि याना स्याणा छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठेड़ा अगर पड़ोसी मित्र प्यारा, सारे के सारे अयोध्या आने की सोच रहे हैं। बोलोगे आप भी? बोलो जी, बोलो। बोले कुछ तो बोलो। श्री राम, जय श्री राम।
तो दोस्तों हम भी हरिद्वार से आए हैं और मैं सबसे पहले दिल से धन्यवाद करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार को जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं बनाई है यहाँ पर। और इसी के साथ में मैं दो लाइनें कहना चाहता हूँ अपनी, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जय श्री राम, जय श्री राम। तो फिलहाल ये देख सको भाई, इन तस्वीर पर छोड़ के तरती जान लग रहे हैं, कैमरा मैन तीन पर चुकड़ता घुमा दे भाई सारी ये तस्वीर। और ये देख सको एक तरफ सेल्फी का दौर चल रहा है तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें। तो हाँ जी, आप कहाँ से आए जी, कहाँ से आए बहन जी? हम संत कबीर नगर से आए, संत कबीर नगर से आए। कौन से नगर से? संत कबीर नगर से। संत कबीर नगर से। तो पहली बार आए हो? हाँ। इससे पहले आए कभी? नहीं। बार बार आने का मन करेगा? हाँ। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, आप कहाँ से? बिहार औरंगाबाद। बिहार औरंगाबाद से? कानपुर। कानपुर से। हाँ जी, गाजीपुर। चलो ये देखो भाई, देश के अलग अलग हिस्से में तो लोग पहुँच रहे हैं और अब तक तो पहुँचने लग रहे हैं। कर दो भाई वीडियो ने शेयर, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्म। जय जवान, जय किसान, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम।